दोस्तों रिसेंटली बोट उनके एक के बाद एक ईयरबड्स लॉन्च करता जा रहा है, तो अब उनके और एक ईयरबड्स बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाले हैं, जो कि है बोट निर्वाना आईवी। दोस्तों बोट उनके निर्वाना सीरीज के अंदर प्रीमियम कैटेगरी के ऑडियो प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, सो इन्हीं में से ये एक है। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, क्या इसकी प्राइस होने वाली है, कब तक लॉन्च होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें डिजाइन की, तो आपको बहुत ही अच्छा डिजाइन देखने मिलता है। जैसे नॉर्मली निर्वाना सीरीज के जो ईयरबड्स होते हैं उस तरीके से डिजाइन नहीं है, बिल्कुल अलग डिजाइन है। केस के ऊपर बहुत ही बड़ी सी ब्रांडिंग है, लेकिन देखने में ओवरऑल ईयरबड्स प्रीमियम लगते हैं। इसके साथ 3 कलर वेरियंट्स के अंदर अवेलेबल है और इनका कलर शेड भी ओवरऑल बहुत अच्छा है। फिटिंग की बात करें तो इन ईयर डिजाइन के साथ आते हैं, जिसके साथ आपको ईयर टिप्स भी देखने मिलेंगी। ये ईयरबड्स वाटर रेजिस्टेंट होने वाले, लेकिन कौन से आईपी रेटिंग है वो ब्रांड ने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन ठीक से मेंशन नहीं है, लेकिन गूगल फास्ट पेयरिंग का फीचर दिखने मिलता है। ड्यूल पेयरिंग का फीचर है और ऐप का सपोर्ट भी आपको दिखने मिलता है। बैटरी लाइफ की बात करें तो 50 आवर्स की बैटरी लाइफ बोट क्लेम करता है विदाउट ANC, बट अगर आप ANC के साथ यूज करते हो तो 30 से 40 घंटे के अराउंड चल जाएंगे। बिन ईयरबड्स के साउंड की बात करें तो 11mm के ड्राइवर्स है, जिसके साथ आपको बोट का सिग्नेचर साउंड भी दिखने मिलता है। 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट है, जिससे कि आपका मूवीज वगैरह देखने का एक्सपीरियंस भी ओवरऑल बहुत अच्छा होने वाला है। ये ईयरबड्स ऐप को भी सपोर्ट करते हैं, इसके ऐप के अंदर जाके आप अपने हिसाब से साउंड कस्टमाइज कर सकते हैं। इन ईयरबड्स में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है, जो कि 50 डेसिबल तक नॉइस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके ANC के अंदर आपको 3 मोड्स देखने मिलेंगे, एक होगा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला मोड, एक होगा ट्रांसपेरेंसी मोड और एक होगा नॉर्मल मोड। इसके साथ बोट की ANX टेक्नोलॉजी है, जो कि कॉल के दौरान सराउंडिंग नॉइस को कैंसिल आउट करती है, जैसे कि अगले वाले पर्सन को आपकी आवाज बहुत ही क्लियरली डिलीवर होती है अगर आप एक नॉइजी एरे में भी है। गेमर्स के लिए 60ms की लो लेटेंसी, अगर 45 या फिर 40ms की होती तो बहुत ही अच्छी बात थी। अब इन ईयरबड्स की प्राइस की बात करें तो 2999 की लॉन्च प्राइस होने वाली है।